How do I learn to speak English if I don't have pupil whom I could speak with? मैं इंग्लिश बोलना कैसे सीखूं अगर मेरे पास लोग नहीं हैं जिनके साथ मैं इंग्लिश में बात कर सकूं? ये शिकायत, ये क्वेश्चन आप सभी के मन में, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हम सभी के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि हमारे आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जिनके साथ हम इंग्लिश में बात कर सकें। तो आज के इस वीडियो में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 3 में इस माहौल को हम खुद बनाएंगे। तो आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो मैं बताऊं उस काम को करना भी है, इम्प्लीमेंट करना है अपने डेली लाइफ में। मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, माहौल क्रिएट होगा, आप खुद करेंगे। पहले अपने मुंह से इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी है, भले ही लोगों के साथ नहीं पर खुद के साथ। आज के बाद आप अपने डे टू डे लाइफ में कोई भी काम कर रहे होंगे, कोई भी काम, आप दिन में हजारों काम करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में बता रहे होंगे उस काम को कि आप क्या कर रहे हो। कैसे बताओगे? जैसे मान लीजिए पहला सेंटेंस, मैं चादर बिछा रहा हूं। तो यहां कैसे बोलेंगे? आई एम लेइंग द बेडशीट। हिंदी में नहीं बोल रहे होंगे बल्कि इंग्लिश में बोलना है, मुंह से निकाल रहे होंगे इंग्लिश के वर्ड्स। तो ऐसे 100 सेंटेंसेस, 100 एक्टिविटीज आज मैं आपको बताऊंगी। आपको आज से ही शुरुआत करना है। जब आप इन कामों को कर रहे होंगे तो आप रिलेट करेंगे, उस वक्त आपको इन इंग्लिश सेंटेंसेस को बोलना है। तो एक एक सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए, एक भी सेंटेंस आपको मिस नहीं करना है। अब देखते हैं सेकंड सेंटेंस, मैं कालीन बिछा रहा हूं। आई एम लेइंग द कारपेट। आई एम लेइंग द कारपेट, आई एम बोलना है। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ये डिनोट किया था कि आम बोलना है, आई एम नहीं बोलना है। फिर अगला सेंटेंस, मैं पौधों को पानी दे रहा हूं। मैं पौधों को पानी दे रहा हूं, इसका इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। ओके, फिर है मैं पौधों पर पानी छिड़क रहा हूं। आई एम स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द प्लांट्स। आपके घर में कोई छोटा सा पौधा दिख जाए तो उस पर छिड़किए और बोलिए इंग्लिश में। एक्टिविटीज को आपको नहीं भी करना है फिर भी आप करोगे, है ना? इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए आपको वो काम करना पड़ेगा। फिर है मैं अपने बालों पर पानी छिड़क रहा हूं। आई एम स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन माई हेयर। ये भी छिड़काव है ना? फिर है मैं अपने आंखों पर पानी छींटे मार रहा हूं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे आप? अब जब अपने आंखों में पानी के छींटे मारोगे तब आप बोलोगे इंग्लिश में, तब क्या बोलोगे? आई एम स्प्लैशिंग वाटर ऑन माई आईज, है ना? आज के बाद जब आप अपने आंखों पर या चेहरे पे पानी डालोगे तो जहां भी छींटे मार रहे हैं तब आपको बोलना है इस सेंटेंस को, है ना? आई एम स्प्लैशिंग वाटर ऑन माई आईज। मैं गमलों में पानी डाल रहा हूं। आई एम पोरिंग वाटर इन टू द पॉट्स। अब देखिए, गमलों में जो पानी आप डाल रहे हैं और यहाँ पर जो पानी दे रहे हैं,
है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, दोनों चीजें लगभग एक जैसी हैं। पानी देने को वाटर कहना है, लेकिन जब आप किसी ग्लास में पानी को उड़ेलते हैं तो इसे कहते हैं पोर। पानी को उड़ेल देना इसका मतलब हो जाता है पोर। तब आप क्या बोलोगे, आई एम पोरिंग वाटर इन टू द पॉट्स। ओके, मैं ग्लास में पानी डाल रहा हूँ। ये भी वही सेम है, ध्यान से देखो। पहला था मैं गमलों में पानी डाल रहा हूँ, यहाँ भी वर्ड पोर का यूज किया गया है, आई एम पोरिंग वाटर इन टू द पॉट्स, उड़ेल देना। ग्लास में हो या गमले में हो पानी आप उड़ेल रहे हो तो पोर वर्ड यूज करोगे। मैं ग्लास में पानी डाल रहा हूँ, आई एम पोरिंग वाटर इन टू द ग्लास। मैं कप में चाय डाल रहा हूँ, यहाँ भी सेम होगा, वही आप चाय को कप में डाल रहे हो, उड़ेल रहे हो, तो आई एम पोरिंग टी इंटू द कप। मैं कढ़ाई में तेल डाल रहा हूँ, आई एम पोरिंग ऑयल इंटू द पैन। जब घर की औरतें जो कुक होते हैं, जब पैन में तेल डालते हैं तब ये वर्ड यूज करते हैं, आई एम पोरिंग ऑयल इंटू द पैन। तब आप मुँह से बोलो, बोलते 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 भी काम करो, लेकिन इंग्लिश में बोलो, आई एम पोरिंग ऑयल इंटू द पैन। चलिए मूव करते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड में जो पहला सेंटेंस है, मैं इशारा कर रहा हूँ, आई एम जेस्टरिंग। ओके, फिर है जब आप किसी को इशारे से कुछ बोल रहे हो, है ना, इशारे से बुला रहे हो किसी को, तब आप जैसे जब आप किसी व्यक्ति को इशारा करते हैं, मान लीजिए आप किसी बच्चे को इशारे से बुला रहे हैं, तब आप इस सेंटेंस का यूज करेंगे, आई एम जेस्टरिंग, आई एम जेस्टरिंग। मैं आँख मार रहा हूँ, आई एम विंकिंग। आँख मारने का इंग्लिश है विंक। तो जब सेंटेंस बोलेंगे तब आप बोलेंगे आई एम विंकिंग। मैं जिद कर रहा हूँ, आई एम बीइंग स्टबर्न, आई एम बीइंग स्टबर्न। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, आप ये सोच रहे हो कि मैंने जिस तरह से यहाँ पे हिंदी में लिख दिया, इसी तरह से इंग्लिश में भी लिख देते तो मेरा टाइम भी ख़राब नहीं होता लिखने का, और हमारा टाइम भी ख़राब नहीं होता इतने देर तक वीडियो को देखने का, यही सोच रहे होंगे आप। तो ये तरीका नहीं होता सीखने का, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब आप लिख रहे हैं, हम तो आप ये सोच भी रहे होंगे कि इसे क्या बोलते हैं, आपको भी तो कुछ आता है, आप अपने मन से सोच रहे होंगे कि इसे क्या बोलते हैं, और फिर मैं बताऊंगी लिख लिख के। तो जितनी देर तक आप सेंटेंस को देखेंगे, इंतज़ार करेंगे, उतना वो चीज़ आपके दिमाग में फिट होगी। यही तरीका होता है पढ़ाने और सिखाने का, तो इसके लिए पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी, है ना। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, माफ़ी मांगने का इंग्लिश है एपोलोजाइज। तो जब इसको सेंटेंस में बोलेंगे तो आई एम एपोलोजाइजिंग, आई एम एपोलोजाइजिंग। मैं कुंडी लगा रहा हूँ, आई एम बोल्टिंग, बोल्टिंग। कुंडी लगाने का इंग्लिश है बोल्ट। ये मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि कुंडी का क्या इंग्लिश होता है। मैं बचा हुआ खाना फ्रिज में रख रहा हूँ, आई एम पुटिंग द लेफ्ट ओवर फूड इन टू द फ्रिज। जो खाना बचा हुआ होता है उसका इंग्लिश होता है लेफ्ट ओवर फूड। तो उसको हम कहाँ पे रख रहे हैं, फ्रिज में रख रहे हैं। तो जब भी आप डालो ना फ्रिज में,
तब आप मुंह से बोलो आई एम पुटिंग द लेफ्ट ओवर फूड इनटू द फ्रिज। मैं दीवार पर सहारा ले रहा हूं। आई एम लीनिंग ऑन द वॉल। आप दीवार में सहारा लो या किसी टेबल में ऐसे सहारा लेके खड़े हो, है ना, सपोर्ट लेके खड़े हो। सहारे का और एक जो इंग्लिश होता है ना वो होता है सपोर्ट। तो जब हम जो सेंटेंस में आई एम लीनिंग ऑन द वॉल, ये जो लीनिंग वर्ड है ये थोड़ा सा एडवांस वर्ड है, तो आप इसी का यूज़ करना, इसी को बोलते रहना। जब आप किसी दीवार में या टेबल में ऐसे सपोर्ट लेके सहारा लेके खड़े हो तब आप मुंह से बोलो आई एम लीनिंग ऑन द वॉल। मैं मेहनत से जी चुरा रहा हूँ। आई एम शर्किंग द हार्ड वर्क। मैं मेहनत से जी चुरा रहा हूँ, है ना। तो ऐसा हो सकता है आपका दिल जानता है, हालांकि आप किसी दूसरे को बताएंगे नहीं ये बात, लेकिन आपका दिल जानता है आपको मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है। मम्मी ने कहा, जैसे मम्मी ने कहा बेटी जाओ बाजार से कुछ सामान ले आओ, लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है और आप कट रहे इधर उधर। तो आप अपने आप से बोलिए आई एम शिर्किंग द हार्ड वर्क। आई एम शिर्किंग द हार्ड वर्क। अपने मुंह से बोलिए, मन में बोलिए या जोर जोर से बोलिए, ओके। तो केवल वर्ड्स को जानना नहीं है, उसको कैसे यूज करना है आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करना है, तभी आप सीखेंगे, है ना। मैं शर्ट के बटन लगा रहा हूँ। आई एम बटनिंग अप द शर्ट। जब आप शर्ट में बटन लगा रहे हो तब आप मुंह से बोलते रहो आई एम बटनिंग अप द शर्ट। मैं कांप रहा हूँ। आई एम शिवरिंग। आई एम शिवरिंग। कांपने का इंग्लिश होता है शिवर। तो जब सेंटेंस में हम यूज करते हैं तब बोलते हैं आई एम शिवरिंग। आई एम शिवरिंग। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आलू काट रहा हूँ। इसका इंग्लिश क्या होगा? आलू काटने का इंग्लिश होता है चॉप। किसी भी जैसे आलू हो, खीरा हो, या फिर प्याज हो, कोई भी सब्जी आप काट रहे हो या फल काट रहे हो, तो उसको जब काटते हो आप तब आप बोलते हो, तब आप क्या मैंने इंग्लिश में क्या बोलोगे? चॉप। और जब सेंटेंस यूज करोगे तब आप बोलोगे आई एम चॉपिंग द पोटैटोज। जो भी पोटैटो काट रहे हो या जो भी काट रहे हो आई एम चॉपिंग द पोटैटोज। फिर अगला है मैं आलू छील रहा हूँ। आई एम पीलिंग ऑफ द पोटैटोज। जब आप आलू को, आलू के छिलके को जब छीलते हो ना तब आप बोलोगे आई एम पीलिंग ऑफ द पोटैटोज। आलू हो या खीरा हो, मतलब कुकम्बर हो, जो भी आप छील रहे हो, तब आप मुंह से बोलते रहो और उस काम को भी करते रहो। आई एम चॉपिंग द पोटैटोज। आई एम पीलिंग ऑफ द पोटैटोज। अगला है वही देखिए मैं खीरा काट रहा हूँ। आई एम स्लाइसिंग द कुकुम्बर, है ना। मैं खीरा छील रहा हूँ। आई एम पीलिंग ऑफ द कुकुम्बर। अच्छा अब फिर है मैं ग्लास को उल्टा कर रहा हूँ। आई एम टर्निंग द ग्लास अपसाइड डाउन। जब आप सीधे ग्लास को उल्टा कर रहे हो तो अब आप बोलोगे अपसाइड डाउन, टर्न करके उसको अपसाइड डाउन। आई एम टर्निंग ऑफ द ग्लास अपसाइड डाउन। आई एम टर्निंग द ग्लास अपसाइड डाउन। बोलते रहो मुंह से। मैं ग्लास को सीधा कर रहा हूँ। आई एम टर्निंग द ग्लास राइट साइड अप। जब आप ग्लास को उल्टे हुए ग्लास को सीधे करोगे तब आप भी बोलोगे आई एम टर्निंग द ग्लास राइट साइड अप। मैं किताब को उल्टा कर रहा हूँ। आई एम टर्निंग द बुक अपसाइड डाउन। वही सेम जो ग्लास में यूज किए थे हम, वही ये भी होगा। जब आप उल्टा कर रहे हो किसी सामान को तब आप बोलोगे अपसाइड डाउन। आई एम टर्निंग द बुक अपसाइड डाउन। फिर है मैं किताब को सीधा कर रहा हूँ। आई एम टर्निंग द बुक राइट साइड अप।
जब भी आप बुक को सीधा करोगे तो अब आप राइट साइड से उसको सीधा करते हो ना, करते हम लोग, तो बोलेंगे आई एम टर्निंग द बुक राइट साइड अप. मैं नल खोल रहा हूँ. आई एम टर्निंग द टैप ऑन. जब आप नल खोल रहे हो तब आप बोलोगे आई एम टर्निंग द टैप ऑन. बोलते रहो मुँह से, काम होते रहेगा, मुँह से आप बोलते रहोगे इंग्लिश में, है ना. हिंदी को ही इंग्लिश में बोलते रहो तभी आपका प्रैक्टिस होगा. डे टू डे लाइफ में आपको इंग्लिश में ही बोलना होगा, है ना. मैं नल बंद कर रहा हूँ, ये होगा आई एम टर्निंग द टैप ऑफ. जब आप नल खोल रहे हो तब आप बोलोगे आई एम टर्निंग द टैप ऑन. जब आप नल को बंद कर रहे हो तब आप बोलोगे आई एम टर्निंग द टैप ऑफ. चलिए मूव करते हैं फिर अगले सेंटेंसेस पे. मैं अलमारी में शर्ट डाल रहा हूँ. इसका क्या इंग्लिश होगा? आई एम पुटिंग द शर्ट इन टू द अलमीरा. सबसे पहला ध्यान तो ये रखना होगा कि आप कभी अलमीरा को अलमारी नहीं कहोगे, है ना. इसको हमेशा बोलोगे अलमीरा, या आप बोल सकते हो कबर्ड. इसका और एक जो वर्ड होता है अलमीरा का, बहुत लोग बोलते हैं कबर्ड, या कबर्ड बोलो या अलमीरा बोलो, ये सही प्रोनाउंसिएशन है. तब आप बोलोगे आई एम पुटिंग द शर्ट इन टू द अलमीरा. फिर मैं अलमारी से शर्ट निकाल रहा हूँ. आई एम टेकिंग आउट द शर्ट फ्रॉम द अलमीरा. जब आप शर्ट या किसी कोई भी कपड़ा जो आप अलमीरा से निकाल रहे हो तब आप इंग्लिश में बोलोगे आई एम टेकिंग आउट द शर्ट फ्रॉम द अलमीरा. मैं अलमारी में टटोल रहा हूँ. आई एम ग्रोपिंग इन द अलमीरा. आई एम ग्रोपिंग इन द अलमीरा. यहाँ पे ग्रोपिंग का जी आर ओ पी आई एन जी. जब आप टटोलने का जो इंग्लिश मीनिंग है वो है सर्चिंग. सर्चिंग या ग्रोपिंग कोई भी वर्ड यूज होता है, बट यहाँ पे ग्रोपिंग वर्ड एडवांस वर्ड है तो आप यही यूज करना. आई एम सर्चिंग भी कह सकते हैं, लेकिन एक बड़ा ही स्पेशल वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है जो कि है ग्रोपिंग. आई एम ग्रोपिंग. जैसे कि मान लीजिए बहुत अंधेरा है और आपको कुछ दिख नहीं रहा और आप इस तरह से टटोल रहे हो, ढूंढ रहे हो कुछ, तो उसके लिए ग्रोप वर्ड का यूज किया जाता है. या ग्रोपिंग वर्ड का यूज करिए, थोड़ा एडवांस शुरुआत से ही बनिए, है ना. तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. मैं अलमारी को टटोल रहा हूँ. आई एम ग्रोपिंग इन द अलमीरा. चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं. मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रहा हूँ. तो इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कैसे बोलेंगे? आई एम पुटिंग द क्लोथ्स इन टू द वॉशिंग मशीन. जब आप अंदर डाल रहे हो किसी क्लोथ्स को, किसी सामान को, तो आप बोलोगे आई एम पुटिंग द क्लोथ्स इन टू वॉशिंग मशीन. फिर है मैं वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल रहा हूँ. आई एम चेकिंग आउट द क्लोथ्स फ्रॉम द वॉशिंग मशीन. तो उसके बाद सेंटेंस है मैं कपड़े सुखाने डाल रहा हूँ. तो इसका हो जाएगा इंग्लिश आई एम पुटिंग माई क्लोथ्स टू ड्राई. आप कपड़े सुखाने डाल रहे हो तब आप इंग्लिश में बोलोगे आई एम पुटिंग माई क्लोथ्स टू ड्राई. इसको आप अपनी अपनी आदत बना लो. आप जो भी काम करते जाओगे, हजारों काम आपको रहता है दिन में, आप जो भी काम करते जाओगे आप उसको इंग्लिश में ही बोलते जाना है, ठीक है. फिर है मैं अपनी शर्ट सुखाने डाल रहा हूँ. आई एम पुटिंग माई शर्ट टू ड्राई. कपड़े हो पहला जो सेंटेंस था, उसके इससे पहले जो सेंटेंस था क्लोथ्स, कोई भी कपड़ा आप डाल रहे हो सुखाने में, तो आप बोलोगे आई एम पुटिंग माई क्लोथ्स टू ड्राई. और अगर पर्टिकुलर कोई शर्ट हो, पैंट हो आप डाल रहे हो, तब भी आप यही बोलोगे आई एम पुटिंग माई शर्ट टू ड्राई.
और आई पुटिंग माई पैंट टू ड्राई लाइक दिस. ओके, मैं ये नोट सुखाने डाल रहा हूँ. आई एम पुटिंग माई नोट टू ड्राई. मान लीजिए आप धोते वक्त गलती से आपके पॉकेट में है या किसी कपड़े में, कपड़े के किसी पॉकेट में आपका कोई नोट रह गया है, तो आप उसको धो डाले हो, फिर आप उसको सुखाने दोगे, सुखाना पड़ेगा, तब आप क्या उसको कैसे इंग्लिश में बोलते रहोगे, बोलोगे आई एम पुटिंग माई नोट टू ड्राई. ओके, मैं कपड़े उठा रहा हूँ. आई एम पिकिंग अप द क्लोथ्स. मैं कहीं पे गिरा हुआ है, तब आप जब उठाओगे तो बोलोगे आई एम पिकिंग अप द क्लोथ्स. मैं सामान उठा रहा हूँ, यहाँ भी वही होगा, आई एम पिकिंग अप द स्टफ, यानी कोई भी सामान. स्टफ ये कोई भी सामान, अब जब गिरा हुआ है जब उठाओगे तो मुंह से बोलोगे आई एम पिकिंग अप द स्टफ. हिंदी में नहीं, इंग्लिश में ही बोलना है वहाँ पे. चलिए अगला और सेंटेंसेस देखते हैं. मैं खाना चबा रहा हूँ. आई एम चीविंग द फूड. चबाने का इंग्लिश वर्ड है चीविंग, है ना. अगर चबाने के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है जैसे मैस्टिकेटिंग, यहाँ पर आप मैस्टिकेटिंग कह सकते हैं. मेरे हिसाब से आई एम चीविंग द फूड ही सही होगा. तो आई एम चीविंग द फूड. मैं खाना निगल रहा हूँ. आई एम स्वालोविंग द फूड. जब निगलते हो खाना को चबाने के बाद, तब आप सेंटेंस बोलोगे आई एम नाउ स्वालोविंग द फूड, है ना. फिर है मैं नाश्ता कर रहा हूँ. आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट. अभी मैं नाश्ता कर रहा हूँ, जब आप करोगे तब आप बोलोगे आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट. मैं लंच कर रहा हूँ. आई एम हैविंग लंच. ये तो बहुत आसान है ये सारे. मैं बिस्किट खा रहा हूँ. आई एम हैविंग बिस्किट्स. मैं पानी पी रहा हूँ. आई एम हैविंग वाटर. पानी जब आप पी रहे हो ऐसे तो आप बोलते रहो आई एम हैविंग वाटर. मैं जूते पहन रहा हूँ. आई एम पुटिंग ऑन द शूज. तो वेयरिंग, पुटिंग और वेयरिंग कोई सा भी वर्ड यूज होता है, कह सकते हैं ना, लेकिन पुटिंग ऑन कहने की आदत डालिए, ये ज़्यादा एडवांस है. आई एम पुटिंग ऑन द शूज. मैं जूते उतार रहा हूँ. जब आप जूते खोलोगे तब आप बोलोगे आई एम टेकिंग ऑफ द शूज. अच्छा, जिस तरह से आप कुछ पहनते हैं या उतारते हैं उसके लिए आप यूज़ कीजिए पहनने के लिए, और टेक ऑफ यूज़ कीजिए उतारने के लिए, राइट. मैं शर्ट पहन रहा हूँ. आई एम पुटिंग ऑन द शर्ट. हो गया, ये भी वही है, जब आप पहन रहे हो, डाल रहे हो, तो बोलोगे आई एम पुटिंग ऑन द शर्ट. फिर जब आप शर्ट उतारोगे तब आप बोलोगे आई एम टेकिंग ऑफ द शर्ट्स. फिर देखिए अगला सेंटेंसेस. मैं सब्जी बना रहा हूँ. आई एम कुकिंग वेजिटेबल. मैं दाल बना रहा हूँ. आई एम कुकिंग दाल और पल्स. अच्छा, यहाँ एक बात है, आई एम कुकिंग दाल और पल्स. दाल जो होता है जब पक जाता है, पका लेते हैं हम, तो उसको हम दाल बोलते हैं, और पल्स होता है रॉ, जब हम बाज़ार से उसको रॉ खरीद के लाते हैं तो वो पल्सेस उसको बोलते हैं, और जब उसको पका लेते हैं तो बोलते हैं दाल. ओके, मैं चावल बना रहा हूँ. आई एम कुकिंग राइस. मैं रोटियाँ बना रहा हूँ. आई एम कुकिंग चपाटीज. जब आप चपाटी बनाते हो, सेकते हो, जो भी है, तब आप मुंह से बोलते रहो आई एम कुकिंग चपाटीज. आई एम कुकिंग चपाटीज. मैं अपने लिए जूस बना रहा हूँ. आई एम मेकिंग जूस फॉर माई सेल्फ. अब जूस तो आप कुक करते नहीं हो, है ना, तो उसको उस तब हम क्या वर्ड यूज करेंगे, आई एम मेकिंग जूस फॉर माई सेल्फ. आई एम मेकिंग जूस फॉर माई सेल्फ. माई सेल्फ हो या किसी और के लिए हो, ब्रदर सिस्टर जो भी है, तब आप बोलोगे आई एम मेकिंग जूस फॉर माई सेल्फ और फॉर माई ब्रदर. मैं बर्तन धो रहा हूँ. आई एम वॉशिंग डिशेज और यूटेंसिल्स. कोई भी इसमें दो वर्ड है,
डिशेज का मतलब डिशेज और यूटेंसिल्स, इन दोनों में से कोई एक यूज करते हैं हम, बट आई एम वॉशिंग डिशेज ही सही रहता है सुनने में, है ना, यही इसी का ही आदत डाल लो आप, आई एम वॉशिंग डिशेज। मैं आटा गूंथ रहा हूँ, आई एम नीडिंग द फ्लोर, फ्लोर, फ्लावर नहीं बोलना है, इसको बोलना है फ्लोर, फ्लोर, आई एम नीडिंग द फ्लोर, यानी नीडिंग का मतलब होता है गूंथना, गूंथना, आई एम नीडिंग द फ्लोर। मैं पानी की बॉटल भर रहा हूँ, आई एम फिलिंग द वाटर बॉटल, जब आप बॉटल में पानी भर रहे हो तब आप मुंह से बोलते रहो आई एम फिलिंग द वाटर बॉटल, आई एम फिलिंग द वाटर बॉटल। मैं चाय में बिस्किट डुबा रहा हूँ, आई एम डिपिंग अ बिस्किट इनटू द टी, मैं बिस्किट को चाय में डुबा रहा हूँ, तब बोलोगे आई एम डिपिंग अ बिस्किट इनटू द टी। मैं पानी में अपनी उंगली दबा रहा हूँ, डुबा रहा हूँ, सॉरी, आई एम डिपिंग माई फिंगर इंटू द वाटर। या आप बिस्किट डुबा रहे हो, या उंगली डुबा रहे हो, या कोई सा भी सामान पानी में ऐसे डुबा रहे हो, तो जो भी आप कर रहे हो एक्टिविटी, तो उस वक्त आप बोलोगे आई एम डिपिंग अ बिस्किट, आई एम डिपिंग माई फिंगर इंटू बिस्किट होगा, तो वो ऑब्वियसली चाय में आप डुबोगे, फिंगर तो आप डालोगे नहीं टी में, तब आप बोलोगे आई एम डिपिंग माई फिंगर इन टू द वाटर, आई एम डिपिंग अ बिस्किट इन टू द टी। ये आप बोलते रहो अपने डे टू डे लाइफ में, इसकी आदत बना लो बस। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस में। मैं मेकअप कर रहा हूँ, मैं मेकअप कर रहा हूँ, इसका इंग्लिश होगा आई एम अप्लाइंग मेकअप, आई एम अप्लाइंग मेकअप। मैं काजल लगा रहा हूँ, आई एम अप्लाइंग काजल, जब आप कुछ भी अप्लाई कर रहे हो अपने फेस पे या बॉडी पे, तब आप अप्लाइंग ये बोलोगे, आई एम अप्लाइंग काजल, आई एम अप्लाइंग मेकअप। मैं अपने बालों में तेल लगा रहा हूँ, आई एम अप्लाइंग ऑल ऑन माई ऑयल ऑन माई हेयर, आई एम अप्लाइंग ऑयल ऑन माई हेयर। यहाँ भी अप्लाई वर्ड यूज होगा, क्योंकि ये आप अपने बॉडी में अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो हेयर हो, चाहे वो फेस हो, या बॉडी के कोई भी पार्ट हो। मैं अपने चेहरे पर सनस्क्रीन लगा रहा हूँ, आई एम अप्लाइंग सनस्क्रीन ऑन माई फेस, आई एम अप्लाइंग सनस्क्रीन ऑन माई फेस। जब आप अप्लाई कर रहे हो मुंह पे ना, जैसे फेस पे लगा रहे हो कोई भी क्रीम, या हेयर में ऑयल लगा रहे हो, कुछ भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उस वक्त, तो आप इंग्लिश में बोलते जाओ आई एम अप्लाइंग सनस्क्रीन ऑन माई फेस। मैं घाव में मरहम लगा रहा हूँ, आई एम अप्लाइंग ऑइंटमेंट ऑन माई वाउंड, आई एम अप्लाइंग ऑइंटमेंट ऑन माई वाउंड। घाव में मरहम लगाने का जो इंग्लिश वर्ड है वो है ऑइंटमेंट, मरहम मैनी ऑइंटमेंट, और उसको जब आप घाव में अप्लाई कर रहे हो, घाव का इंग्लिश हो जाता है वाउंड, तो आई एम अप्लाइंग ऑइंटमेंट ऑन माई वाउंड, यहाँ भी अप्लाइंग वर्ड ही यूज होगा। इन सारे सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखो और इसको डेली यूज में प्रैक्टिस करो। मैं दांत ब्रश कर रहा हूँ, आई एम ब्रशिंग माई टीथ, जब आप दांत ब्रश कर रहे हो तब आप बोलो आई एम ब्रशिंग माई टीथ। फिर मैं दाढ़ी बना रहा हूँ, आई एम शेविंग। मैं पूजा कर रहा हूँ, आई एम वर्शिपिंग, जब आप पूजा करते हैं तब आप बोलते हैं, पूजा करने का जो वर्ड है इंग्लिश वर्ड है वो है वर्शिप, है ना, तो जब आप सेंटेंस में उसको बोलोगे मैं पूजा कर रहा हूँ, आई एम वर्शिपिंग। मैं अपने बच्चे को सुला रहा हूँ, आई एम पुटिंग माई चाइल्ड टू स्लीप, अभी जब आप अपने बच्चे को सुला रहे हो तब आप इंग्लिश में बोलते रहो आई एम पुटिंग माई चाइल्ड टू स्लीप। सारे जो सेंटेंसेस है ना उनको बस पूरा हिंदी छोड़ के आप इंग्लिश में बोलो, तो ये आपको बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगा, एकदम आप भूलोगे नहीं। मैं घड़ी उतार रहा हूँ, आई एम टेकिंग डाउन द क्लॉक, मैं घड़ी उतार रहा हूँ, आई एम टेकिंग डाउन द क्लॉक। जब आप हाथ से कुछ मतलब घड़ी जो पहने हो उसको जब उतार रहे हो हाथ से, तब आप बोलोगे, तब आप जो वर्ड यूज करोगे वो है टेकिंग डाउन द क्लॉक या वॉच, दीवार से अगर होगा तो क्लॉक होगा।
मैं ऑफिस जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू ऑफिस. मैं ऑफिस जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू ऑफिस, है ना. मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ. आई एम लिविंग ऑफिस. जब आप ऑफिस से निकल गए हो, निकल रहे हो, तब आप ये सेंटेंस यूज करो. आई एम लिविंग ऑफिस. मैं दिल्ली जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू दिल्ली. मैं दिल्ली से निकल रहा हूँ. यहाँ भी वही, आई एम लिविंग दिल्ली. बस लिविंग दिल्ली, दिल्ली लिख दो यहाँ पे, वही सेम. मेरे मुझे गुस्सा आ रहा है. आई एम गेटिंग एंग्री. एंग्री और अनॉयड, ये दो वर्ड हैं गुस्से का, बट हम यहाँ पे आई एम गेटिंग एंग्री, ये हम इसके हम आदत डालेंगे. आई एम गेटिंग एंग्री, जब आपको गुस्सा आ रहा है. अनॉयड यानी मीन्स बहुत, मीन्स ऐसे कुछ, कोई बात आपको अच्छा नहीं लगा, मतलब एंग्री मूड में हो, तब आप अनॉयड बोलते हो, अनॉयड वर्ड यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे ये आई एम गेटिंग एंग्री, ये सेंटेंसेस सही है ना. मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है. आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेशन. मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है ना. तो अब जब फ्रस्ट्रेशन हो वर्ड आएगा, तब आप बोलोगे आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेशन. आप बोलो, यही बोलो, इंग्लिश सेंटेंस बोलो. मैं टीम देख रहा हूँ. मैं टाइम देख रहा हूँ. आई एम वॉचिंग द टाइम. मैं मूवी देख रहा हूँ. आई एम वॉचिंग अ मूवी. कुछ भी आप देख रहे हो, तब आप वॉचिंग वर्ड का यूज करोगे, तो सेंटेंसेस आपके हो जाएंगे आई एम वॉचिंग द टाइम. अगर आप घड़ी पे टाइम देख रहे हो, तब आप बोलो मुंह से आई एम वॉचिंग द टाइम. अगर आप उस वक्त मूवी देख रहे हो, तो अब आप बोलते रहो आई एम वॉचिंग अ मूवी. मैं तुम्हें देख रहा हूँ. आई एम लुकिंग एट यू. अगर आप किसी व्यक्ति को देख रहे हो ना, किसी को देख रहे हो, किसी व्यक्ति को देख रहे हो, हाँ, तब आप बोलोगे आई एम लुकिंग एट यू. तब आप वॉचिंग नहीं बोलोगे, बोलोगे आई एम लुकिंग एट यू. मैं तुम्हारा होमवर्क देख रहा हूँ. आई एम लुकिंग एट योर होमवर्क. यहाँ भी आप वॉचिंग नहीं, आई एम लुकिंग एट योर होमवर्क. किसी को आप होमवर्क दिए हो और उसको उसका होमवर्क चेक कर रहे हो, तब आप बोलोगे आई एम लुकिंग एट योर होमवर्क. चलिए अगला सेंटेंसेस है. मैं मजाक कर रहा हूँ. आई एम किडिंग. मैं मजाक कर रहा हूँ. आई एम किडिंग. मैं टेबल को घसीट रहा हूँ. आई एम ड्रैगिंग द टेबल. आई एम ड्रैगिंग द टेबल. अगर कोई टेबल घसीट रहा है या आप घसीट रहे हो, तो घसीटने का जो इंग्लिश वर्ड है वो है ड्रैग. तो जब आप सेंटेंस में उसको बोलोगे, तब बोलोगे आई एम ड्रैगिंग द टेबल. मैं मजे कर रहा हूँ. आई एम हैविंग फन. आई एम हैविंग फन. मैं बोर हो रहा हूँ. आई एम गेटिंग बोर्ड. जब आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बोर हो रहे हो, तब आप बोलोगे आई एम गेटिंग बोर्ड. मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ. आई एम ओवर थिंकिंग. जब आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, तब आप इस सेंटेंस का यूज़ कर दोगे आई एम ओवर थिंकिंग, है ना. हिंदी में नहीं बोलो, इंग्लिश में बोलो. मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ. आई एम रिमाइंडिंग यू. मैं ढोंग कर रहा हूँ. आई एम प्रिटेंडिंग. जब आप ढोंग कर रहे हो ना, किसी मतलब ऐसे ढोंग हो जाता है कभी, हम लोग यूज़ करते हैं ढोंग का, जैसे नाटक ड्रामा करना, तब हम क्या यूज़ वर्ड यूज़ करेंगे, आई एम प्रिटेंडिंग, है ना. फिर है मैं शर्मा रहा हूँ. आई एम शाइन. ऐसे बोल दे नहीं, ये गलत है. हमेशा इस सेंटेंस को इंग्लिश नेटिव बोलते हैं. हमेशा फीलिंग. आई एम फीलिंग शाई. ऐसा बोलोगे आई एम फीलिंग शाई. आई एम शाइंग नहीं. ध्यान रखना है, ये बहुत मज़ेदार सेंटेंस है. आई एम फीलिंग शाई. मैं बेसब्र हो रहा हूँ. आई एम गेटिंग इम्पेशेंस. आई एम गेटिंग इम्पेशेंस. आपको किसी चीज़ की बेसब्री हो रही है, तब आप बोलोगे आई एम गेटिंग इम्पेशेंस. मैं अपना दिन खराब कर रहा हूँ. तब आप बोलोगे आई एम स्पॉइलिंग माई डे. चलिए
तो आज के इस वीडियो में हमने 100 सेंटेंसेस ऐसे देखे जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं, आज के बाद जब भी हम उन एक्टिविटीज़ को कर रहे होंगे तब हम बोल रहे होंगे उस एक्शंस को। तो गाइस, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में, ताकि सभी तक ये वीडियोस पहुँचे और उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरे आज के वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, गुड बाय।